हेलो डियर फ्रेंड्स, सो टुडे वील डिस्कस अबाउट सेल फिजियोलॉजी। वील जस्ट गेट टू जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल फिजियोलॉजी, व्हाट इज सेल एंड हाउ इट फंक्शंस। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज इंट्रोडक्शन। सो द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी इज द सेल। सो ईच एंड एवरी बॉडी, एनी लिविंग बॉडी इंक्लूडिंग दोज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। यानि हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट जो है, बेसिक यूनिट यानी सबसे छोटा यूनिट जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है, उसको हम सेल ऐसा कहते हैं। सो ईच ऑर्गन इज एन एग्रीगेट ऑफ मेनी डिफरेंट सेल्स हेल्ड टुगेदर बाय इंटर सेलुलर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखो, यहाँ पर ऑर्गन के बारे में बताया, तो ऑर्गन कैसे बनता है, तो बहुत सारे सेल्स, अलग अलग प्रकार के सेल्स एग्रीगेट होते हैं और उनको जोड़ने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम इंटरसेलुलर सेल्स को आपस में जोड़ने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो जोड़ के रखते हैं और एक ऑर्गन बनाते हैं। सो ईच टाइप ऑफ सेल इज स्पेशली अडेप्टेड टू परफॉर्म वन और अ फ्यू पर्टिकुलर फंक्शंस। नाउ ईच एंड एवरी सेल हैज़ स्पेसिफिक फंक्शन, है ना, तो हर एक सेल का अपना अपना इंडिपेंडेंट स्पेशल फंक्शन होता है। जैसे RBCs, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। WBCs means white blood corpuscles, they help in maintaining immunity, okay. So certain basic characteristics for all cells are alike, और कुछ characteristics common होते हैं cells के बीच में। For instance, in all cells, oxygen reacts with carbohydrate, fat and protein to release the energy required for cell function. So in all cells, हर cell में oxygen, carbohydrate या fat या protein के साथ react होके energy बनाता है, तो each and every cell has सिमिलर फंक्शन ऑफ एनर्जी जनरेशन। द जनरल केमिकल मैकेनिज्म्स फॉर चेंजिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी आर बेसिकली द सेम इन ऑल सेल्स, ठीक है। तो जनरल केमिकल मैकेनिज्म्स जो है न्यूट्रिएंट्स को चेंज करने के लिए, किस में, एनर्जी में, तो वो जनरली सारे सेल्स में सेम ही है। एंड ऑल सेल्स डिलीवर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ देयर केमिकल रिएक्शंस इनटू द सराउंडिंग फ्लूइड्स। अभी ये जो एंड प्रोडक्ट बनता है, जो एनर्जी बनता है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ATP और मे बी सम अदर डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स, स्मॉलर डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स विच आर हेल्पफुल टू अदर सेल्स। ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज इन टू द सराउंडिंग फ्लूइड, जो बाजू में फ्लूइड होता है सेल के अंदर या बाहर, उसमें ये रिलीज किया जाता है। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू सी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो अबाउट 60% ऑफ द एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज फ्लूइड, ठीक है। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 60% जो कॉम्पोजिशन है वो फ्लूइड ही है, मेनली अ वाटर सॉल्यूशन ऑफ आयंस एंड अदर सब्सटेंसेस। तो इसमें क्या है, तो वाटर इज सॉल्यूशन है विच इंक्लूड्स आयंस एंड सम अदर सब्सटेंसेस। मोस्ट ऑफ दिस सेल इज इनसाइड द सेल्स, ओके। मोस्ट ऑफ दिस फ्लूइड इज इनसाइड द सेल्स ओनली, एक्सेप्ट 1/3। 60% में का 1/3 पोर्शन बाहर होता है, तो एक्सेप्ट 1/3 विच इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो वॉट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज इन कॉन्स्टेंट मोशन थ्रू आउट द बॉडी। इट इज ट्रांसपोर्टेड रैपिडली इन द सर्क्युलेटिंग ब्लड एंड देन मिक्सड बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड्स बाई डिफ्यूजन थ्रू कैपिलरी वॉल्स। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है, तो ये सेल के बाहर होता है, प्लस ये कॉन्स्टेंटली इन मोशन है। ये मूवमेंट किस हिसाब से करता है, कहाँ से करता है, तो सर्क्युलेटिंग ब्लड से इसका मूवमेंट है, और ब्लड्स के साथ और जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें ये मिक्स होते रहता है। कैसे मिक्स होता है, बाय डिफ्यूजन थ्रू कैपिलरी वॉल्स, कैपिलरी के वॉल्स में से ये बाहर आता है, टिश्यू फ्लूइड्स के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। सो ऑल सेल्स लिव इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सारे सेल्स जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में रह रहे हैं। फॉर दिस रीज़न द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। इसीलिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंटरनल एनवायरनमेंट ऐसी पदवी दी गई है। इंटरनल एनवायरनमेंट यानी एनवायरनमेंट हम किसे कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें जीव सृष्टि सारी रहती है, वो एनवायरनमेंट है। तो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, तो अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें सारे सेल रह रहे हैं, इसलिए सेल्स के लिए वो एनवायरनमेंट है। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी और द मिलियू इंटीरियर, अ टर्म इंट्रोड्यूस्ड मोर देन 100 ईयर्स अगो बाय द ग्रेट 19th सेंचुरी फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट क्लॉड बर्नार्ड। तो क्लॉड बर्नार्ड नाम के साइंटिस्ट थे फ्रेंच, उन्होंने उसको फ्रेंच टर्म दिया है मिलियू इंटीरियर, जिसका मतलब है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी।
सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे तो बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। सो देखो ECF एंड ICF ऐसे दो टेबल्स है। ECF मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ICF मीन्स इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हैज़ लार्ज अमाउंट्स ऑफ सोडियम, इसमें सोडियम बहुत ज़्यादा प्रमाण में है। ICF में लार्ज अमाउंट्स ऑफ पोटेशियम, देन लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयन्स इन ECF, लार्ज अमाउंट ऑफ फॉस्फेट्स इन ICF, लार्ज अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन्स हियर, लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इन ICF, देन न्यूट्रिएंट्स बेसिकली आर ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एंड इन ICF द न्यूट्रिएंट्स डिपेंड ऑन सेल टाइप, हर सेल में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सो दे डिपेंड ऑन द सेल टाइप। एंड ऑल्सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इतने सारे घटक है प्लस ये बेसिक कुछ डिफरेंसेस है। सो व्हाट इज होम्योस्टेसिस? द टर्म होम्योस्टेसिस इज यूज्ड बाय फिजियोलॉजिस्ट टू मीन मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट कंडीशंस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। तो होम्योस्टेसिस क्या है? तो होम्योस्टेसिस इज द टर्म विच मीन्स मेंटेनिंग द कांस्टेंट कंडीशंस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। और हमको पता है व्हाट इज इंटरनल एनवायरनमेंट? इंटरनल एनवायरनमेंट इज नथिंग बट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो कॉम्पोजिशन है, जो हमने अभी देखा, जैसे सोडियम है, क्लोराइड आयन्स है ना, बाइकार्बोनेट्स है, फिर अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, दे ऑल आर मेंटेन्ड इन सम स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशंस। तो ये स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, ऑल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी परफॉर्म फंक्शंस दैट हेल्प मेंटेन दिस कॉन्स्टेंट कंडीशंस। तो हमारा शरीर क्या कर रहा है? हमारे शरीर के जो सारे ऑर्गन्स है, सारे टिश्यूज़ है, ये कुछ फंक्शंस करते हैं जिसके वजह से दीज कॉन्स्टेंट कंडीशंस आर बींग मेंटेन्ड। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट एंड मिक्सिंग सिस्टम। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, प्लस हाउ डज इट मिक्स? सो दिस इज नथिंग बट द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन टू स्टेजेस। सो दो स्टेज में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फर्स्ट स्टेज इज मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी इन द ब्लड वेसल्स। तो बॉडी के जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। एंड सेकेंड स्टेज इज मूवमेंट ऑफ फ्लूइड बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो सेल के साथ कॉन्टैक्ट में जब आता है दैट इज़ नोन एज सेकेंड स्टेज एंड इट हैपन्स बिटवीन कैपिलरीज एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। सो नेक्स्ट स्लाइड, सो इन दिस स्लाइड वी गेट अ सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन। सो इन दिस स्लाइड वी गेट अ फिगर विच शोज द ओवरऑल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ओवरऑल सर्कुलेशन, हाउ द ब्लड इज सर्कुलेटिंग इन द होल बॉडी। फ्रॉम द लेफ्ट हार्ट पंप द ब्लड कम्स इन टू द एओर्टा एंड स्लोली इट गोज थ्रू द बॉडी एवरीवेयर इन टू द गट, द किडनीज, देन द एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन द आर्टरीज डिवाइड एंड दे डिवाइड इन टू आर्टेरियोल्स, देन कैपिलरीज, देन फ्रॉम कैपिलरीज वेन्यूल्स विल कम आउट एंड देन वेन्स विल गो टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। So all the blood in the circulation traverses the entire circulatory circuit an average of once each minute. So har minute mein one circulation is happening when the body is at rest. When the body is at rest, jab hum kuch kaam nahi kar rahe hain, hum jab resting condition mein hain, to on an average every minute one circulatory circuit is being completed and as many as 6 times each minute when a person is extremely active. When somebody is active, somebody is running or be as doing some type of physical work. So during that time, this circuit is repeated for 6 times in a minute. So in the next slide, as blood passes through the blood capillaries, continual exchange of extracellular fluid also occurs between plasma portion of the blood and the interstitial fluid that fills the intercellular spaces. तो देखो, तो इसमें ऐसे लिखा है कि ब्लड कैपिलरीज में से जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाहर जा रहा है तो कौन सा पोर्शन बाहर जाता है? तो ब्लड में का प्लाज्मा पोर्शन। ओके, नॉट द ब्लड सेल्स, ओनली द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ द ब्लड गोज आउटसाइड द कैपिलरी एंड इट मिक्सेस विद द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। नाउ व्हाट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड? इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज द फ्लूइड इन बिटवीन द सेलुलर स्पेसेस। ओके,
फिर देखो तो कंटिन्यूस इंटरमिंगलिंग बाय डिफ्यूजन अकर्स इन बिटवीन द कैपिलरीज एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ क्या हो रहा है डिफ्यूजन से, व्हाट इज डिफ्यूजन, इट इज फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस अ ग्रेडियंट विच इज कॉज्ड मोस्टली ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन, एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सम आयन्स और सम अदर सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर देखो डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर देर इज़ अ फिगर विच इज़ शोइंग दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन। द प्लाज्मा इज कमिंग आउट ऑफ द कैपिलरी, इट इज़ गोइंग इन टू द इंटरस्टिशियल स्पेस, मिक्सिंग विद द टिश्यू फ्लूइड एंड देन कमिंग बैक इन टू द कैपिलरी एंड देन गोइंग थ्रू द वेन्यूल। ओके, सो दिस इज हाउ मिक्सिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड अकर्स। सो नेक्स्ट, दिस वॉज थ्रू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ ऑरिजिन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। नाउ हाउ न्यूट्रिएंट्स कम इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कहाँ से आते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऑक्सीजन इज एक्वायर्ड बाय द कैपिलरीज नियर द लंग एल्वियोलर बाय मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। तो ऑक्सीजन एयर से जो लंग्स में आता है वो कैपिलरीज में विच आर प्रेजेंट नियर द एल्वियोलाई ऑफ द लंग, वहाँ पर डिफ्यूजन से ऑक्सीजन उस कैपिलरी में आ जाता है। सो एल्वियोलर मेम्ब्रेन इज सो थिन, इट इज़ जस्ट 0.2 to 0.4 माइक्रोमीटर्स बेसिकली। सो थ्रू द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंजेस्टेड फूड इन टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड ऑफ द ब्लड। तो GIT जो है, GIT में से जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैटी एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स है, ये जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं देन दे कम इन टू द ECF ऑफ द ब्लड। फिर लीवर एंड अदर मेटाबॉलिक ऑर्गन्स, नाउ मेटाबॉलिज्म बेसिकली मीन्स दीज ऑर्गन्स हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स इन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। सो चेंजेस द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मेनी ऑफ दिस सब्सटेंसेज टू मोर यूजेबल फॉर्म्स। सो इन मेटाबॉलिज्म बेसिकली मेनी सब्सटेंसेज आर बीइंग चेंज्ड इनटू यूजेबल फॉर्म्स विच कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल्स एंड अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी। सो फैट सेल्स, GIT, म्यूकोजा, किडनीज एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हेल्प मॉडिफाई द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज एंड स्टोर देम अंटिल दे आर नीडेड। सो दीज ऑर्गन्स व्हाट दे डू, दे विल मॉडिफाई द सब्सटेंसेज, वो मॉडिफाई करते हैं सब्सटेंसेज को, सिंपलर फॉर्म्स में रखते हैं, प्लस वो स्टोर भी करके रखते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, when there is something less in the extracellular fluid, these organs will release them into the blood. Fir musculoskeletal system, it helps by movement in need of food, stable environment, so our nutrients will be maintained in the extracellular fluid. So in the next slide we are seeing about removal of metabolic end products. So removal of carbon dioxide by the lungs. Now we saw the carbon dioxide is present in extracellular fluid. So the same time that blood picks up oxygen in the lungs, carbon dioxide is released from the blood into the lung alveoli and subsequently into the atmosphere. तो यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन एयर में से लिया जाता है और ऑक्सीजन फिर कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाता है, सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ बीन फॉर्म्ड इन द बॉडी इट कम्स इन टू द ब्लड एंड देन इट इज़ एक्सचेंज्ड इन द लंग एल्वियोलाई फॉर ऑक्सीजन एंड देन इट इज़ रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। देन किडनीज, किडनीज क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द ब्लड दैट पासिस थ्रू द किडनीज रिमूव्स फ्रॉम द प्लाज्मा मेनी सब्सटेंसेस बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट आर दिस सब्सटेंसेस, दे आर यूरिया, यूरिक एसिड, देन मेनी अदर टाइप्स ऑफ आयन्स एंड वाटर विच अल्टीमेटली फॉर्म यूरिन एंड इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी। सो ECF हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स। सो नाउ रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस, नाउ लेट अस सी हाउ बॉडी फंक्शंस बेसिकली। सो द नर्वस सिस्टम, सो द नर्वस सिस्टम इज कम्पोज ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, द सेंसरी इनपुट पोर्शन, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड मोटर आउटपुट पोर्शन। देखो इसमें तीन भाग है नर्वस सिस्टम में, एक है इनपुट जहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स इनपुट ब्रेन तक लेकर जाते हैं, देन दैट नॉलेज इज इंटीग्रेटेड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम गिव्स सम टाइप ऑफ एक्शन। सो दिस एक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ मोटर आउटपुट पोर्शन। ओके, सो सेंसरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट द स्टेट ऑफ द बॉडी और द स्टेट ऑफ द सराउंडिंग्स। तो सेंसरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, बॉडी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है और इज़ इट नॉर्मल और द स्टेट ऑफ द सराउंडिंग्स, व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट,
इज़ इट हॉट, इज़ इट लिवेबल, इज़ इट हार्श, तो ये कैसे पता चलता है हमको? एग्जाम्पल थ्रू रिसेप्टर्स ऑफ द स्किन. सो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम देन विच इज़ कम्पोज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन, जनरेट्स थाट्स, क्रिएट्स एम्बिशन एंड डिटरमाइंस रिएक्शंस दैट द बॉडी परफॉर्म्स इन रिस्पॉन्स टू द सेंसेशन. तो जिस प्रकार का सेंसेशन आएगा उसके लिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, वो सोचता है उसके ऊपर किस प्रकार का फंक्शन होना चाहिए, किस प्रकार का रिएक्शन होना चाहिए, डिटरमाइन करता है. ठीक है. सो देन अप्रोप्रिएट सिग्नल्स आर देन ट्रांसमिटेड थ्रू द मोटर आउटपुट पोर्शन. फिर अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो डिसाइड करता है ब्रेन वो सिग्नल्स के थ्रू मोटर आउटपुट पोर्शन के द्वारा ऑर्गन को बताया जाता है ताकि ऑर्गन उस हिसाब का फंक्शन करे. सो लार्ज सेगमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड द ऑटोनॉमिक सिस्टम. बहुत बड़ा एक सेगमेंट है नर्वस सिस्टम का विच इज ऑल्सो नोन एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. और दिस इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट. इट ऑपरेट्स एट सबकॉन्शियस लेवल एंड कंट्रोल्स मैनी फंक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स. ये देखो, ये सबकॉन्शियसली भी काम करता है और बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है, लाइक पंपिंग ऑफ हार्ट. नाउ हार्ट नेवर स्टॉप्स, इवन वेन वी आर स्लीपिंग इट विल नेवर स्टॉप टिल द टाइम वी डाई. ओके. सो हु इज़ कंट्रोलिंग इट? द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंट्रोलिंग इट. देन मूवमेंट्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. जी आई टी में देर आर मैनी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑलवेज गोइंग ऑन. सो इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और ANS. एंड मैनी ऑफ द सीक्रीशंस ऑफ द बॉडी ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ओके. सो लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड इज हार्मोनल सिस्टम ऑफ रेगुलेशन. नाउ हाउ हार्मोन्स रेगुलेट द बॉडी. सो हार्मोन्स लोकेटेड इन द बॉडी बेसिकली आर 8 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ओके. विच सीक्रेट केमिकल सब्सटेंसेज विच आर नोन एज हार्मोन्स. सो हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द ECF. नाउ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विल ट्रांसपोर्ट द हार्मोन्स एंड इट विल टेक देम टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हेल्प रेगुलेट सेलुलर फंक्शन. तो ये क्या करता है? तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हार्मोन्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है. और कहाँ लेके जाता है? उस ऑर्गन के पास लेके जाता है जहाँ पे उस हार्मोन के फंक्शन के वजह से वो सेल अपना फंक्शन करना चालू कर देगा. जैसे थायराइड हार्मोन इंक्रीज द रेट्स ऑफ मोस्ट केमिकल रिएक्शंस इन ऑल सेल्स. तो थायराइड हार्मोन जब रिलीज होता है व्हाट विल इट डू? वो सेल्स में जाता है और केमिकल रिएक्शंस बढ़ा देता है, दस हेल्पिंग टू सेट द टेम्पो ऑफ बॉडीली एक्टिविटी. तो वो बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो मेटाबॉलिज्म का रेट है, वो बढ़ा देता है. इंसुलिन कंट्रोल्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, है ना. इंसुलिन विच इज़ रिलीज बाय आइलेट ऑफ लैंगरहन सेल्स फ्रॉम द पैनक्रियास, इट कंट्रोल्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. व्हेन ग्लूकोज इंक्रीजेस इन द ब्लड, इंसुलिन इज सीक्रेटेड, इट विल रिड्यूस द ग्लूकोज इन द ब्लड. देन एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिकल हार्मोन्स, दे कंट्रोल बेसिकली आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड, लाइक अल्डोस्टेरॉन. इट विल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सोडियम विच इज़ बींग रिलीज आउट ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड. देन सिमिलरली पैराथायरॉयड हार्मोन कंट्रोल्स बोन कैल्शियम एंड फॉस्फेट. ओके. इट कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ कैल्शियम दैट द बोन कैन हैव एंड अमाउंट ऑफ फॉस्फेट दैट विल रिमेन इन द ब्लड. एंड ऑल्सो हार्मोनल सिस्टम ऑफ रेगुलेशन, इट कंट्रोल्स रिप्रोडक्शन ऑल्सो. ओके. सो इतने फंक्शंस हैं बॉडी फंक्शंस जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वजह से पॉसिबल होते हैं. नाउ कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. सो द ह्यूमन बॉडी हैज थाउजेंड्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स. बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी में है. तो उसमें देखो तो पहला कंट्रोल सिस्टम जो हम देख रहे हैं तो रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द ECF. सो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ECF में मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हमें पता है कि हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एज ब्लड पासेस थ्रू द लंग्स. सो एज द ब्लड पासेस थ्रू टिश्यू कैपिलरीज, हीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ इट्स ओन स्ट्रॉन्ग केमिकल एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन does not release oxygen into the tissue fluid if too much oxygen is already there. But if the oxygen concentration in the tissue fluid is too low, sufficient oxygen is released to re-establish an adequate concentration. This regulation is called oxygen buffering function of hemoglobin. So, देखो ये जो paragraph है इसमें ऐसा लिखा है कि hemoglobin basically oxygen lungs से ले लेता है and afterwards hemoglobin की capacity है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की, लेकिन ईजिली ऑक्सीजन को छोड़ता नहीं है. वो क्या करेगा? वो देखेगा कि टिश्यू फ्लूइड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या कम है. अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगा,
इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन इज़ लो, कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो ऑक्सीजन रिलीज होगा। इस ही एक्शन को हम ऑक्सीजन बफरिंग फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन ऐसा बोलते हैं। फिर सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द ECF इज़ रेगुलेटेड इन अ लिटिल डिफरेंट वे। अ हायर देन नॉर्मल CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड एक्साइट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर, कॉजिंग अ पर्सन टू ब्रीद रैपिडली एंड डीपली। दिस इंक्रीजेस एक्सपीरेशन ऑफ CO2 एंड देयरफॉर रिमूव्स एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स। देखो अभी यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाता है ECF में, सो द रेस्पिरेटरी सेंटर विल गेट एक्टिवेटेड एंड अ पर्सन विल स्टार्ट ब्रीदिंग रैपिडली एंड डीपली। ज़्यादा जोर जोर से सांस लेना हम चालू करते ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जल्दी निकल जाए, ठीक है। फिर रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर किस हिसाब से मेंटेन होता है, तो सेवरल सिस्टम्स कंट्रीब्यूट टू द रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तो इसमें भी देखो तो बैरोरिसेप्टर सिस्टम इज अ सिंपल एंड एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ रैपिडली एक्टिंग कंट्रोल मैकेनिज्म। सो बैरोरिसेप्टर्स यानी बैरो मीन्स रिलेटेड टू प्रेशर। सो इन द वॉल्स ऑफ द बाइफर्केशन रीजन ऑफ कैरोटिड आर्टरीज इन द नेक, कैरोटिड आर्टरीज का जो बाइफर्केशन होता है नेक में, एंड ऑल्सो इन द आर्च ऑफ एवर्टा इन द थोरैक्स, देर आर मेनी रिसेप्टर्स इन द वॉल ऑफ द आर्टरीज, दे आर नोन एज बैरोरिसेप्टर्स विच आर स्टिमुलेटेड बाय स्ट्रेच ऑफ द आर्टेरियल वॉल। ये बैरोरिसेप्टर्स होते हैं, ये जब आर्टेरियल वॉल स्ट्रेच होता है उस वक्त ये एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। सो वेन द आर्टेरियल प्रेशर राइजेस टू हाई, आर्टेरियल प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, द बैरोरिसेप्टर्स सेंड नर्व इम्पल्सेस टू द मेड्यूल ऑफ द ब्रेन। तो ये बैरोरिसेप्टर्स क्या करते हैं, दे सेंड नर्व इम्पल्सेस टू मेड्यूल ऑफ द ब्रेन। अभी ये ऐसा होने की वजह से दे इनिबिट द वैसोमोटर सेंटर, वैसोमोटर सेंटर इनिबिशन हो जाता है, विच इन टर्न डिक्रीजेस द नंबर ऑफ इम्पल्सेस ट्रांसमिटेड टू हार्ट। तो ऑटोमेटिकली हार्ट को इम्पल्सेस कम जाएंगे, ठीक है, एंड ब्लड वेसल्स बाय द सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसलिए क्या होगा कि हार्ट का पंपिंग थोड़ा स्लो हो जाएगा वेन एवर देर इज मोर प्रेशर, ओके। सो अपोजिट ऑल्सो हैपन्स, तो कॉन्वर्सली ऑल्सो इट हैपन्स। फिर कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी में वी सॉ दिस, दिस इज अ फ्लो चार्ट, बैरोरिसेप्टर्स इन कैरोटिड आर्टरी एंड आर्च ऑफ एओर्टा। वेन हाई ब्लड प्रेशर इज देयर, बैरोरिसेप्टर विल सेंड इम्पल्स टू द मेडुला, वैसोमोटर रिसेप्टर इज इनहिबिटेड, इम्पल्स फ्रॉम वैसोमोटर एरिया टू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स इज रिड्यूस्ड, सो डायलेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स एंड रिड्यूस्ड कार्डियक एक्टिविटी। तो हार्ट कम काम करने लगेगा, यानी इट विल स्टार्ट पंपिंग लेस अमाउंट ऑफ ब्लड, देन पेरिफेरल ब्लड वेसल्स दे विल डायलेट, सो ब्लड प्रेशर इज रिड्यूस्ड, ओके। सो नाउ दीज आर सम नॉर्मल रेंजेस एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे थे तो उनके कुछ नॉर्मल रेंज और उनमें कुछ बदलाव कैसे होता है वो हम देखेंगे। सो एन इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ऑफ ओनली 11 डिग्री फ़ारेनहाइट अबाउट 7 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इंक्रीज हो जाता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर, इट लीड्स टू विशियस साइकिल ऑफ इंक्रीजिंग सेलुलर मेटाबोलिज्म विच डिस्ट्रॉयज द सेल्स। तो इतना भी हमारा टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो सेलुलर मेटाबोलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सेल का डिस्ट्रक्शन होना चालू हो जाता है। फिर नैरो रेंज फॉर एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी विथ अ नॉर्मल pH वैल्यू ऑफ 7.4